Good morning, students. Today's topic is letter writing. So this is part of writing section, and you will get 5 marks question for letter writing. So the weightage of the letter writing is very high in the in your question paper, in your exam. So you have to focus on letter writing. So first of all, I want to clear what do you mean by letter. ओके उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन से टाइप के लेटर हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज लेटर राइटिंग. सो अ लेटर इज अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ मीडियम. ओके वी ऑल नो, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पत्र क्या होते हैं. तो ये एक रिटन मीडियम है. ठीक है, रिटन हम अपनी जो मैसेज है, अपनी जो बात है, ठीक है, अपने संदेश क्या लिखित फॉर्म में है ना, रिटन फॉर्म में जब कन्वे करते हैं, ठीक है, तो ये होता है लेटर राइटिंग. ओके, लेटर आर अ फॉर्म ऑफ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन. ओके, विच कंटेन इंफॉर्मेशन और मैसेज सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर. ओके, हम जो लेटर्स हैं, अपने जो संदेश हैं, वो रिटन फॉर्म में होते हैं. ठीक है, और एक दूसरे को अपने जो आप कह सकते हो कि जो मैसेज है वो कन्वे करने के लिए लेटर्स बहुत ही यूजफुल होते हैं. इट इज सेंड बाय वन पार्टी टू अनादर टू प्रोवाइड सर्टेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ओके, और हम लेटर्स क्यों लिखते हैं, पत्र क्यों लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दादी है वो आपके गांव में रहती है, ठीक है, तो आप उनको जो मैसेज अभी तो ठीक है, बहुत हमारे पास आप कह सकते हो कि फ़ोन है, हम फटाफट फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले का टाइम था, ठीक है, तब हमारे पास जो कॉन्वर्सेशन का जो मीडियम था, माध्यम था, वो लेटर राइटिंग थी. ठीक है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपने जो संदेश है वो भेजने के लिए लेटर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर. ओके, दो टाइप के लेटर्स आपके पास हैं, दैट इज फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, फॉर्मल लेटर है हमारे पास और इनफॉर्मल लेटर है. Now, the formal letter is written for business or professional purpose with a specific objective in mind, and it uses simple language that can be easy to read and interpret. Okay. Now, जो हमारे पास formal letter writing है, वो business letters हैं, मतलब official letters हैं. ठीक है, और हम जो ये लेटर्स लिखते हैं वो बिज़नेस पर्पज़ से लिखते हैं. ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेज उसमें हम नहीं कन्वे करते हैं. ओके, नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, जबकि हम ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फॉर्मल लेटर, वी कैन सी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. ओके, तो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो हम किसको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, और अपने जान पहचान वाले को, है ना, अपने एक्वेंटेंस को हम जो है वो इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. राइट, सो इस जो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होगा, इमोशंस का. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑफिशियल लेटर होते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. ठीक है, हम कोई पर्सनल हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो हम कन्वे नहीं करते हैं. वाइल जबकि इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल पर्सनल लेटर होते हैं, जो हम चाहे वो लिख सकते हैं. ठीक है, एड्रेसिंग करने का तरीका अलग होता है. ठीक है, लिखने का तरीका अलग होता है. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, कभी कभी एब्रिवेशन भी लिख लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन फॉर्मल लेटर. ठीक है, जो बिजनेस लेटर होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं. ठीक है, लैंग्वेज ईजी होती है. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नाउ हम और डेप्थ में जाकर फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन देखते हैं. सो अ फॉर्मल लेटर इज एनी लेटर रिटन इन द प्रोफेशनल लैंग्वेज विद अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अ फॉर्मल पर्पस. ओके, सो जो फॉर्मल लेटर है यही आपके पास है. ओके, फॉर 10th क्लास वी विल हैव फॉर्मल लेटर राइटिंग. ठीक है, हमारे पास पर्सनल लेटर राइटिंग हमें नहीं लिखना है. ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मल फॉर्मेट के आएंगे, मतलब फॉर्मल लेटर आएंगे, जो ऑफिशियल लेटर्स होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं. तो अब फॉर्मल लेटर इज एनी लेटर रिटन इन द प्रोफेशनल लैंग्वेज विद अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अ फॉर्मल पर्पस. ठीक है, दीज आर, ये जो पर्पस है कौन कौन से हैं,
है ना, कब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, ओके, फॉर मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बिजनेस लेटर आप कह सकते हो या ऑफिशियल लेटर्स, जिस एक कैटेगरी में हमने इसको रखा है, और उस कैटेगरी में हम क्या क्या ला सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस या किस बारे में हम लेटर राइटिंग या लेटर्स लिखते हैं, इंक्वायरी है ना, किसी भी चीज़ किसी भी ऑफिस से, ठीक है, आप कह सकते हो कोई भी जगह से हमें कोई इंक्वायरी लेनी हो, ठीक है, तब हमें ऑफिशियल लेटर वो कहलाते हैं। नेक्स्ट, कंप्लेंट हो, ठीक है, किसी भी शॉप से हमने कोई सामान लिया है, ठीक है, और उसके बाद में वो जो हमने जो सामान लिया है, ठीक है, वो ख़राब निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर हमने फ्रेंड शॉप से मोबाइल लिया है, ठीक है, और वो मोबाइल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम कंप्लेंट लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी बिजनेस लेटर में ही आता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ प्लेसिंग ऑर्डर। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन पे हम डायरेक्ट जाके क्लिक कर देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है, और अगर ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती, ठीक है, और अमेज़ोन एक आप कह सकते हो कि एक शॉप होती, कंपनी होती, और तब हमें उससे एक मोबाइल, ठीक है, मंगवाना होता, तो देन वी विल राइट अ प्लेसिंग ऑर्डर लेटर टू अमेज़ोन कंपनी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमें ऑर्डर प्लेस करने होते हैं तब भी हम लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। तो बिजनेस लेटर में आ गया इंक्वायरी, किसी भी आप कह सकते हो आप किसी थिंग से रिलेटेड या किसी आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंक्वायरी अगर आपको करनी है, या फिर किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिल्ली में जाकर 12th के बाद, है ना, आफ्टर पासिंग 12th, ठीक है, फ्रॉम महेश पब्लिक स्कूल, ओके, उसके बाद में आपको दिल्ली में जाके कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो आप जो आपके लिए मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग करवा रहा है ना, तो उससे रिलेटेड अगर आपको इंक्वायरी चाहिए कि एडमिशन फ़ीस क्या है, राइट, क्या क्या आपके पास कौन कौन सी फैकल्टी है, उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो इंस्टीट्यूट या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, तो दिस इज़, है ना, ऑल्सो दिस कम इन बिजनेस लेटर्स, ओके। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर वन शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, ये तो हमने एक पैटर्न देखा है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर का, ठीक है। अब वो जब हम लिखते हैं ये लेटर्स, ठीक है, मतलब जब फॉर्मल लेटर्स हम लिखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। राइट, सो इट शुड बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो जो हमारा फॉर्मल लेटर है, आपको पता है कि हमारे पास कैसा एक प्री डिफाइन या प्री प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट है, हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है, एंड सो वी हैव अ स्पेशल फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग, ओके। सो हमें जो हमारा लेटर राइटिंग है उसी फॉर्मेट में रखना है। देन इट शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, ओके, जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करनी है हमको, और नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो हमें बहुत अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ इट शुड बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, ओके, आपको पर्सनल बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है क्योंकि एक ऑफिशियल लेटर है, तो इट शुड बी स्ट्रेट टू द पॉइंट। इट शुड बी रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव, ओके, जो जिस रीज़न के साथ आप लिख रहे हो ना उसी के साथ वो आगे आपका जो लेटर है, ठीक है, वो पूरा जो उसका जो लेटर का मैटर है वो उसी चीज़ के आसपास रहना चाहिए, ठीक है, उसी चीज़ से रेलिवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड थॉरल, ओके, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं ना तब हम कोई भी बात लिख सकते हैं जो कि पर्सनल होती है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो लैंग्वेज है वो अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। नाउ इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक दैट इज़ ग्रामेटिकल और स्पेलिंग, ठीक है, जब हम लेटर राइटिंग करते हैं और ये फिर आपके एग्ज़ाम में ही आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का, तो उस समय ऐसा नहीं कि आप जो है लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉर्मेट में सेंडर एड्रेस में मिस्टेक कर रहे हैं स्पेलिंग की, ओके, ग्रामेटिकल एरर है, तो वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, ठीक है,
जो कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दे आर थ्री टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स, दैट इज बिजनेस लेटर, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट इज लेटर फॉर आउटलाइन सिविक प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये लेटर भी हम इसमें इस हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी जो जनरल सिविक प्रॉब्लम है ना, जो सामाजिक कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा गार्बेज की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कचरा है, आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब है, ठीक है, तब आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो लेटर लिखोगे, इट कम अंडर सिविक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, लेटर लिखेंगे, तो इट द लेटर्स कम इन टू फॉर्मल लेटर, ओके। एंड जॉब एप्लीकेशन भी इसी में आता है, लेकिन आपके पास, ठीक है, ये जो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर्मल लेटर में जॉब एप्लीकेशंस भी आती हैं। नाउ कैन वी, नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ओके। नाउ वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। सो हमारे पास स्ट्रिक्ट ये फॉर्मेट, स्ट्रिक्टली फॉर्मेट को फॉलो करना है, ओके। तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट टू फॉलो व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर व्हिच इज एक्सप्लेन बिलो, सो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट, ओके। नाउ सबसे पहले आपको लिखना है, ओके, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम द टॉप लेफ्ट साइड, ओके, जो आपकी जो कॉपी की जो मार्जिन लाइन होगी बिल्कुल उससे अटैच, कोई गैप नहीं लीव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस, ओके। तो सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, ओके, इट इज़ रिटन इन द टॉप लेफ्ट, ओके, हैंड कॉर्नर, ठीक है। आप अगर आपके पास कॉपी है और मैं इस साइड बैठी हूँ, तो यहाँ आपकी मार्जिन लाइन है, ओके, और मार्जिन लाइन के बिल्कुल पास से, ठीक है, हमने माना कि ये मार्जिन लाइन है, और यहाँ से बिल्कुल कोई भी गैप नहीं लीव करना है। इफ़ यू विल लीव सम गैप, ठीक है, आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, तो मार्जिन लाइन के पास से बिल्कुल कोई भी गैप नहीं लीव करना, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। देन जो आपका एड्रेस होगा, सेंडर एड्रेस, ठीक है, जो लेटर भेज रहा है ना, उसका एड्रेस भी आपको लिखना है, जो हम पर्सनल लेटर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वो आपको तीन, कम से एटलीस्ट थ्री लाइन्स में आपको लिखना है, ठीक है, हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ओके। सो एटलीस्ट आपके पास थ्री लाइन का एड्रेस होना चाहिए, और वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में लिखना चाहिए, मतलब आफ्टर राइट, ये आपकी मार्जिन लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख रहे हो 37A, ओके, देन नेक्स्ट आरके कॉलोनी, देन नेक्स्ट भिलवाड़ा, ओके, तो इस तरीके से आपके पास एड्रेस राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। सेंडर नेम नहीं लिखना है, ठीक है, आपको, आप जॉन हो, आप रीटा हो, आप सीता हो, लेकिन आपको अपना नाम नहीं लिखना है, तो सेंडर एड्रेस में सेंडर नेम नहीं होता है, ओके। नाउ देयर इज नो कॉमा, ठीक है, आपको आर के कॉलोनी ए, फॉर एग्जांपल A37, कॉमा भी नहीं लगाना है, फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है, ठीक है, आपको केवल A37 लिखना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। अब आप चाहो तो आप वन लाइन लीव करके भी लिख सकते हो, या कंटिन्यूएशन में एक लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉमा नहीं होना चाहिए और ना ही फुल स्टॉप होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू राइट डेट, ओके, आप चाहे तो एक लाइन लीव कर सकते हैं, मतलब आपने एड्रेस लिखा, उसके बाद में यू कैन लीव वन लाइन, ठीक है, आप एक लाइन लीव कर दीजिए, ताकि वो क्लीन दिखे ना, थोड़ा टाइडी दिखे, या फिर आप जो कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो, मतलब एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो, तो भी आप लिख सकते हो, पर मोर एप्रोप्रिएट क्या है कि यू शुड लीव वन लाइन, ओके, देन राइट डेट, ओके। डेट आप कैसे लिखेंगे, यू विल नॉट राइट इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मतलब जैसा हम कॉपी में लिख देते 27 पे स्लैश लगा के 7 2020, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वे में नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे हम, वी विल सी जब हम और इसके सैम्पल्स देखेंगे, ओके। नाउ रिसीवर एड्रेस लिखना है उसके बाद, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंडर एड्रेस लिखा है हमने,
ठीक है, या तो आपके पास गिवन होगा कि आपको इमेजिन करके लिखना है, अगर आप एग्ज़ाम में हो तो आप आराम से लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस आपको दिया हुआ होगा, अगर नहीं है तो यू हैव टू इमेजिन एंड देन यू हैव टू राइट, ओके। देन यू हैव टू राइट डेट इन अ एक्सपांडेड फॉर्म, ओके। देन रिसीवर एड्रेस, ओके। अब रिसीवर एड्रेस में भी क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप जो एड्रेस है डायरेक्ट आप वो लिखकर स्टार्ट कर सकते हो ना, ये भी तीन लाइन में ही आना चाहिए, इट शुड बी इन थ्री लाइन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट यू विल राइट सब्जेक्ट, ठीक है, कि किस पर्पस से, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है लेटर लिखने का, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, तो बिना रीज़न के तो आप लेटर लिख नहीं सकते, तो जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यू शुड नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, ओके। तो यू हियर एक लाइन में सिर्फ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत आप कह सकते हो कि लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है, तो ये शॉर्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, जो भी एग्जामिनर है या आपकी आपका जो लेटर रीड कर रहा है, ठीक है, उससे समझ आ जाना चाहिए कि ये जो लेटर है वो किसके बारे में होना हो, ये जो लेटर है वो किसके बारे में है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, वन सेंटेंस में होना चाहिए। नाउ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब एड्रेस करना, ठीक है। तो आप रिस्पेक्टेड डियर लिख देते हो, बिल्कुल नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है सर से, है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो सर ऑब्लिक मैम भी बनाते हैं, ठीक है, ऑब्लिक सर ऑब्लिक मैम भी लिख देते हैं, नो नीड टू राइट इट, ठीक है, आप सिर्फ सर लिख सकते हैं, ठीक है, और स्टार्ट कर सकते हैं अपना लेटर, ओके। नाउ वी विल सी बॉडी ऑफ द लेटर, ओके। तो ये तीन पैराग्राफ में, थ्री पैराग्राफ में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वन इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स सी, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द इंट्रोडक्शन एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ, और क्या रीज़न है कि आप ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है, वो आपको पर्पस है वो लिखना है यहाँ पे। सो ब्रीफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद में द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। सो ये टू या थ्री लाइन्स का हो जाएगा लगभग, ठीक है, आपके पास ये फाइव मार्क्स का ही आएगा, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू डैट, ठीक है। सो आपके पास टू या थ्री लाइन्स में आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा और द पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, क्योंकि हमने इसको तीन पैराग्राफ में ही डिवाइड किया है, तो नेक्स्ट जो है उसमें डिटेल्ड आपको आपकी जो मैटर है, आपका कारण जो है, ठीक है, जो आपका पर्पस है उसकी डिटेल लिखोगे आप, ठीक है, जो भी मैटर है आपके पास उसको डिटेल में लिखोगे कि व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, और वो जो रीज़न है उससे रिलेटेड जो भी आपको कहना है, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है, ये आपका मेन कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव सेंटेंस नहीं बनाने, आप शॉर्ट सेंटेंस बनाइए, ग्रामेटिकल एरर से फ्री होने चाहिए वो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फाइव मार्क्स का है, अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हो आपके पास आराम से फोर एंड हाफ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको आपकी जो लैंग्वेज है उस पर बहुत कमांड रखना है। नेक्स्ट कंक्लूजन, ठीक है, ये थर्ड पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है ना। हियर वी हैव टू कंक्लूड, है ना, लेटर बाय मैंशनिंग द कंक्लूजन और सॉल्यूशन। यहाँ पे तुम बच्चे हैं ना, हमें या जो भी हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसको कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आपको आप अपना, और कंक्लूजन भी लिख सकते हो उस मैटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन सब में ऐड करना है, चाहे वो आप नेक्स्ट हम देखेंगे और भी राइटिंग सेक्शन में, ठीक है, तो सभी में जब भी हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास चाहे हम लेटर राइटिंग लिखें या आर्टिकल हो या पैराग्राफ हो, कंक्लूजन हमेशा होता है। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन है, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव सम सॉल्यूशन, ठीक है, आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देन वी हैव टू राइट थैंक यू, ये आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है, थैंकिंग यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या होता है ना, वो हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ जो सजेशंस मैंने यहाँ लिखे, ठीक है, योर्स फेथफुली, ठीक है, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, आपको इस तरीके से एंड करना, ये सब मार्जिन लाइन के साथ आ रहे हैं, अटैच है। आपने पैराग्राफ चेंज किया है, नो नीड टू चेंज, नो नीड टू गिव सम गैप, ठीक है, आप गैप छोड़ के फिर आप पैराग्राफ स्टार्ट करोगे ऐसा नहीं है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, मार्जिन लाइन, वहीं से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है।
सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज किस तरीके से हम लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली, ओके, और यू कैन राइट ट्रूली या सिंसियरली. अब इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप देख लो, ठीक है, आप कोई भी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, और ठीक है, और इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक. योर्स में हमेशा एस लगता है, कोई कॉमा नहीं लगता है, ठीक है, योर्स एक साथ आएगा, वाई ओ यू आर एस, देयर इज नो एपोस्ट्रॉफी, है ना, कॉमा, कोई ऐसा कॉमा नहीं लगेगा. तो यहाँ पे सारे मिस्टेक करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रख लो. आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ सिंसियरली भी लिख सकते हो, ठीक है. देन सेंडर्स नेम, ठीक है, हमने ऊपर नहीं लिखा है सेंडर्स नेम, नहीं लिखना था, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंडर्स नेम. अब सेंडर्स नेम कौन सा होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में सेंडर्स नेम दे रखा है, देन यू हैव टू राइट द नेम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके. अगर उसके अगर नहीं है आपके पास, तो आप नेम लिख सकते हो कोई भी, ठीक है, इमेजिनरी नेम भी लिख सकते हो. सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, अगर आपने कोई ऑफिशियल लेटर लिखा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस को लिखा है, अगर किसी डेजिग्नेशन के साथ लिखा है, ठीक है, मतलब किसी ओहदे पर आप हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं. सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग. अब हम नेक्स्ट देखेंगे सैम्पल्स, ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें लेटर राइटिंग में, वो भी. ओके, सो लेट्स सी ऑफिशियल लेटर्स, ओके. सो इट इंक्लूड्स क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटिंग आइडियाज विच आर रेलिवेंट टू द टॉपिक, ओके. सो हमें जो ऑफिशियल लेटर वो किस तरीके से लिखने हैं, है ना, क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, है ना, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और आप अपने आइडिया को जो आपका जो मैटर है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, है ना, इन इन लेस वर्ड्स, ठीक है, ये आप में ये जो है आप में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और वो जो आपका मैटर है, वो जो लाइन्स आप लिख रहे हैं लेटर में, वो रेलिवेंट होनी चाहिए टॉपिक के, है ना, टॉपिक से अलग होकर आपका जो है लेटर राइटिंग नहीं होना चाहिए. द कॉन्टेंट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जो आप कॉन्टेंट लिख रहे हो, ठीक है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, स्कैटर्ड कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए कि पहले आप किस बारे में बात करें, फिर आपने जो रीडर है या एग्जामिनर है, ठीक है, उसका जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट कर दिया, फिर किसी और डायरेक्शन में आप ले गए, तो इस तरीके से नहीं होने चाहिए, है ना, सिक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज थॉट होने चाहिए. द कॉन्टेंट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ओके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर फिर भी वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो हम ऑफिशियल लेटर है उनका कॉन्टेंट थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपने बारे में, है ना, यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड यू विल राइट द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर. देन नेक्स्ट है मेन पार्ट, जिसमें आप आपकी जो प्रॉब्लम है या जो रीज़न है जिससे रिलेटेड आप अपना लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उस वो जो मेन पार्ट है वो डिटेल आप ऐड करोगे मेन पार्ट में. देन यू हैव टू राइट कंक्लूडिंग रिमार्क, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यू विल एंड योर लेटर बाई राइटिंग कंक्लूजन, ओके. नाउ ओके, अब हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम देखेंगे जिससे रिलेटेड हमको हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं या लेटर राइटिंग हमें करनी है, ठीक है. सो लेट्स सी टॉपिक फॉर राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, ठीक है, तो हमने कंप्लेंट लेटर का देखते हैं कि इस कंप्लेंट लेटर में हम कैसे कैसे टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर, आपके पास ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपने एक सेल फोन लिया है, ठीक है, वो अच्छे से यूज़ नहीं कर हो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, उसकी वर्किंग है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उससे रिलेटेड डिफेक्टिव पीस है वो, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या फिर कोई वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, ठीक है, आपने वो ख़रीदी है, ओके, और वो जो है द वर्किंग ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ नॉट प्रॉपर, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे डिफेक्टिव ऑर्डर के, आपको लिखना है, ठीक है, कंप्लेंट रिलेटेड टू डिफेक्टिव ऑर्डर, आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है और वो ऑर्डर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है. नेक्स्ट कंप्लेंट हो सकती है आपकी, बहुत ये जो है कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो है अबनॉर्मल डिले इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, ठीक है, कोई कंसाइनमेंट है, ठीक है, जैसे आपने कुछ बुक्स मंगवाई है,
ठीक है। और वो जो बुक्स है वो आपका जो आपने जो समय दिया है, जो टाइम आपने उसको जिस टाइम पे आपने बाउंड किया है, और उस टाइम पर अगर डिलीवरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको आप कंप्लेन लिख सकते हैं, या फिर आपने उसे डेट दी है। फॉर एग्जांपल आज 28 या 29 है, ठीक है, तो आपने डेट दी है 28 से 29 के अराउंड, ठीक है, और डिलीवरी है वो अभी तक 28 या आपकी 29, दो या तीन दिन का आप जो वक्त देते हो, ठीक है, वो जो डेट जिसके आसपास आपको आपका ऑर्डर चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं होता है रिसीव आपको, तो आप कंप्लेंट, ठीक है, यू कैन राइट कंप्लेंट अगेन, है ना, लेट डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। नेक्स्ट आपके पास कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं आप, सेम डिफेक्टिव ऑर्डर है, या फिर जो आपका जो आपका आपके जो गुड्स है ना, जो आपकी आपने जो चीज़ें मंगवाई हैं, ठीक है, जो गुड्स है, आपका जो सामान है, ठीक है, वो सही कंडीशन में आपके पास नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो। नेक्स्ट ये भी बहुत कम पूछे जाते हैं, बट हम ये पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वर ऑर्डर, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो हमने ऑर्डर किया होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने बुक ऑर्डर करी है 10th की और हमारे पास बुक, ठीक है, बुक्स आ जाती है 9th की, ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड भी कंप्लेंट हम लिख सकते हैं ना, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है, हमारा ऑर्डर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपने रेडमी का मोबाइल ऑर्डर किया है, आईफोन आ जाए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा हो जाए, तो आपको कंप्लेंट लिखनी है ना, तो उससे रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो भी कंप्लेंट लेटर में जाता है। नेक्स्ट सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है, बस इसका जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स इज नॉट व्हाट यू ऑर्डर्ड, ठीक है, ये इसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि जिस क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, वो प्रोडक्ट या वो गुड्स जो है उस वो आपको वैसा नहीं मिला है, ठीक है, तब हम कंप्लेंट लेटर में लिखें। वी विल फोकस ऑन सम टिप्स फॉर राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर, ठीक है, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि हम ये टिप्स इंक्लूड कर सकते हैं जब हम कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, ओके। ऑल्दो द मोटिव ऑफ कंप्लेंट लेटर इज टू वेंट आउट आवर ग्रीवेंसेस, ठीक है, एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हम ये कब कंप्लेंट लेटर कब लिखेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं चीज़ से, लेकिन इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू यूज़ अ टोन विच इज़ पोलाइट, ठीक है, आपको जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं ना, तो आप उससे पोलाइट रहेंगे, ठीक है, दो यू विल टेल योर प्रॉब्लम, है ना, यद्यपि आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे, पर आपका जो टोन है, आपके जो लेटर्स में शब्द होने चाहिए वो बहुत काम होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, ठीक है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ दी टिप, ओके, सो आपको पोलाइट ही रहना है, यू हैव टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स, ठीक है, पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है, नाउ एंड सिंपल, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मैं ये कर दूंगा या मैं वहाँ कंप्लेन कर दूंगा, ऐसे नहीं, आप इसका जो तरीका है वो डिफरेंट रखेंगे, ठीक है, तो आपका जो कंप्लेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्राई टू बी फॉर्मल एंड अवॉइड यूजिंग ऑफेंसिव, अभी जस्ट हमने बात करी जो ऑफेंसिव और जिस ऐसे वर्ड्स जो डिसरेस्पेक्ट शो करे कि मैं आपकी शॉप बंद करवा दूंगा, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो हमें नहीं लिखने चाहिए ना। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्रॉपरली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो वो बहुत ही प्रॉपर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, मेक एंड द लैंग्वेज, ओके, पर्पज ऑफ राइटिंग शुड बी क्लियर, ठीक है, कि क्या किस वजह से आपने ये लेटर लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले कह रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट डैमेज है, उसके बाद में कोई और बात कह दो कि नहीं वो मुझे अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो इस तरीके से है ना, डिलेमा नहीं आपको शो करना है अपने लेटर में, ठीक है, आप कन्फ्यूज हो ये नहीं शो करना है, जो आपका पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अपने जो टॉपिक से बिल्कुल भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है, जो टॉपिक है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेम, कि जो आपका टॉपिक है, जो आपका मैटर है, जिस पॉइंट पे आप लेटर लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, ओके, ऐसा नहीं कि आप अपने जो टॉपिक से भटक जाओ, ठीक है, उस मैटर वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको रखना है,
ठीक है, तभी आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। इसका मतलब कंप्लेंट लेटर में आप पोलाइट रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। नाउ अब हम कुछ सैम्पल लेटर्स देख लेते हैं जो रिलेटेड है कंप्लेंट से, ठीक है। कंप्लेंट लेटर होंगे कुछ प्लेस। सो हियर वी कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लेंट लेटर। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ क्वेश्चन, ओके। नाउ आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू मेसर Oxford Publishing House, London, complaining that the books sent by them were not those you had ordered for. Ask for replacement. You are Varun Joshi, Sector 20, Chandigarh. So here in this question, ये जो question है इसमें जो हमारे पास question है उसमें ये कहा गया है कि हमने कुछ books order करी है, ठीक है, वरुण ने, ठीक है, वरुण जोशी ने कुछ बुक्स ऑर्डर करी है और वो जो बुक्स है वो सही ऑर्डर नहीं हुई है, उनके पास सही ऑर्डर नहीं पहुंचा है, ठीक है, कुछ कोई और बुक्स पहुंच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वरुण को क्या करना है कि ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस को जहाँ से बुक्स आई है, ठीक है, जो रॉन्ग सेट आया है, ठीक है, वहाँ पर कंप्लेंट लेटर लिखना है और उन्हें ये बताना है कि ही हैड नॉट रिसीव्ड द राइट सेट ऑफ बुक्स, ओके, और उनसे क्या पूछना है, क्या कहना है कि उसको रिप्लेस करना है ना, एंड ही विल आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक, ओके, और जो बुक्स की रिप्लेसमेंट के लिए बोलेगा और जो आपको सेंडर्स नेम है वो दिया गया है वरुण, ओके, ओके। दिस इज सैम्पल लेटर ऑफ कंप्लेंट। सो हियर वी कैन सी that there is a sender address, okay, so you can write examination hall when you are in exam, okay, and then you have to write the sender address. So yahan pe sender address de rakha hai, sector 20 Chandigarh, okay, then aap dekhenge ki pura jo format hai wo bilkul straight line mein hai, theek hai, koi gapping nahi hai, ठीक है, तो मार्जिन लाइन के बिल्कुल पास से लिखना है, कोई गैप नहीं रखना है, ठीक है, देन यू विल लीव वन लाइन फॉर डेट, ओके, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, डेट न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में है, July 20, 2020, ठीक है, दिस इज़ वन वे टू राइट डेट। एक और तरीके से आप डेट लिख सकते हैं, वो है 20th July 2020, ठीक है, तो ये दोनों एक्सपांडेड फॉर्म है डेट की, आपको ऐसे ही डेट लिखनी है। देन इट्स टाइम टू राइट रिसीवर एड्रेस। तो जो रिसीवर एड्रेस है, ठीक है, मैसेज लिखा है मैंने, मिस्टर नहीं लिखा है, क्यों, मैसेज मतलब यहाँ पे है मिस्टर मतलब होता है हम एक को एड्रेस कर रहे हैं, जबकि मैसेज होते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं फॉर्म में, इसलिए हमको मैसेज लिखना चाहिए, ठीक है, तो मैसेज ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस कंज्यूमर कंप्लेंट डिविजन लंडन, ओके। यहाँ पे रिसीवर में भी आप हो सकता है कि आप किसी को एड्रेस ना करें और डायरेक्ट जो आपका एड्रेस है, ठीक है, रिसीवर एड्रेस का आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सो मैंने यहाँ पर 3 lines में लिखा है, ठीक है, मैक्सिमम आप 3 line का यूज़ कर सकते हैं, 2 to 3 lines, ठीक है, आपका एड्रेस लिखने के लिए। नाउ कोई कॉमा नहीं है यहाँ पे, कोई फुल स्टॉप नहीं है, ओके। Now, after leaving one line, we can start writing subject, ठीक है, subject कैसा होना चाहिए, one line में होना चाहिए और subject को पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो आपका letter है वो क्या है। Now, यहाँ पे लिखा हुआ है complaint regarding receipt of wrong set of books, ठीक है, तो complaint letter है, यहाँ से पता चल गया, और complaint किसकी है कि that we had या I had received wrong set of book, okay? नाउ अब हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सरिया मैम, आप सर लिख के भी यहाँ पे सर भी लिख सकते हैं, वो इनफ है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द बॉडी ऑफ लेटर,
ठीक है, ये अभी तक अभी हमने फॉर्मेट देखा था, अब बॉडी में क्या क्या आएगा, लेट्स सी कितने पैराग्राफ में हमने रिवाइड किया है। ऑन जुलाई 15, 2020 आई ब्रॉट अ बुक सेट ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 000154 टू बी डिलीवर्ड टू चंडीगढ़ सेक्टर 20। ओके, सो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दिस इज़ वन वे, आप अलग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर लिखा है, कैश मेमो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ टू माय डिसमे मींस कि ही इज़ वेरी अपसेट दैट ही हैव नॉट रिसीव द सेट। ओके, यहाँ पे मैं ही रेफर कर रही हूँ, बाकी आपके पास जो स्क्रीन पे है आई, क्योंकि वरुण लिख रहा है, वो कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने जो मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे सही से रिसीव नहीं हुआ, और तो ऑब्वियसली वो दुखी होगा। ओके, आई हैव नॉट रिसीव द सेट आई ऑर्डर फॉर एंड हैव इंस्टेंट रिसीव द रॉन्ग बुक सेट, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। और क्योंकि मुझे रॉन्ग बुक सेट मिल चुका है, ठीक है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, राइट। ही इज़ डिसअपॉइंटेड, ओके, ही इज़ नॉट हैप्पी, राइट। नाउ अब हमारे पास कंक्लूजन है, ठीक है, अगर आप इसमें चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ है वो आई विल टेल यू, राइट। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड रिप्लेस द रॉन्ग बुक सेट विद द वन ओरिजिनली ऑर्डर। ओके, यहाँ पे देखो आप, क्योंकि कंप्लेंट है, उसके बाद में भी इसका जो टोन है वो कैसा है, बहुत ही पोलाइट। ओके, वो बहुत कंप्लेन कर रहा है लेकिन पोलाइट मैनर में, राइट। नाउ यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप अप्रिशिएट मतलब मैं आभारी रहूँगा, आप कह सकते हो कि आप अगर मेरा जो है रॉन्ग बुक्स जो है वो रिप्लेस कर दो। नाउ एंड विल वेट अंटिल अफॉरमेंशन टाइम बिफोर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी और द बेटर बिजनेस ब्यूरो। ओके, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, देखो वो अपनी बात तो रख रहा है लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में रख रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी के पास जाए और इस बात के लिए कंप्लेन करे, या फिर वो बेटर बिजनेस ब्यूरो के पास जाए और इस बात से रिलेटेड कोई बात बोले। वो क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में रिजॉल्व हो जाए, है ना, और वो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना चाहता, राइट। लास्ट में उससे अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं आप। नाउ ही इज सेइंग दैट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एट द अबाउ एड्रेस और बाय फोन एट डैश, जो नंबर है, ठीक है, वो उसने लिखे हैं, तो वो यहाँ पे आप भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। तीन पैराग्राफ में हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी था, सेकेंड मिडिल पार्ट था इसका जिसमें डिटेल था, लास्ट वन वॉज कंक्लूजन। अब है यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है, सिंसियरली लिखा है हमने, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन राइट द नेम ऑफ द सेंडर दैट वॉज वरुण जोशी, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग। ओके, अभी आज इसमें हम यही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे विद अदर टॉपिक्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स।